हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो ऑफ क्लास 10th बायोलॉजी एंड इन दिस वीडियो आई हैव ब्रॉट सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हिच विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन एंड दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम द चैप्टर 1 व्हिच इज़ लाइफ प्रोसेसेस एंड दे आर स्पेसिफिकली टेकन फ्रॉम द टॉपिक रिस्पिरेशन. ओके, सो लेट्स बिगिन. The first question is, respiration through skin is seen in which of the following animals the respiration is done by the skin. Okay, so the options are birds, fish, cockroach, earthworm. So you have to tell that which of the following animals have the respiratory organ that is skin. ठीक है, so आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें से earthworm है, this has the skin for the respiration. ठीक है, earthworm में जो respiration का जो organ होता है वो क्या होता है, skin होता है. ये अपने skin के through क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, अर्थवर्म हैज़ मॉइस्ट स्किन. इनके पास क्या होती है, मॉइस्ट स्किन होती है और इस मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेकअप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. तो स्किन के थ्रू जो रिस्पिरेशन होता है या रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है अर्थवर्म का वो क्या होता है, स्किन. ठीक है, इन द अर्थवर्म द रिस्पायरेटरी ऑर्गन इज स्किन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकियल रिस्पायरेशन अकर्स इन. ब्रोंकियल रिस्पायरेशन किन में होता है, फिशेस, बर्ड्स, अमीबा, ह्यूमंस. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स द ब्रोंकियल रिस्पायरेशन इज सीन. तो ब्रोंकियल रिस्पायरेशन जो होता है वो होता है फिशेज में. ठीक है, आपको पता है कि फिश का जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, गिल्स. गिल्स आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द फिशेस और गिल्स के थ्रू जो रिस्पायरेशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल रिस्पायरेशन, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंकियल रिस्पायरेशन. तो आपका आंसर क्या होगा, फिशेस. ठीक है, फिशेस के पास क्या होता है, दे हैव द गिल. ओके, दे हैव द गिल एंड दे टेकअप द वाटर थ्रू देयर माउथ. अपने माउथ के थ्रू वो वाटर एंटर करते हैं, टेकअप करते हैं और फिर ये गिल्स के थ्रू ये इनके पास क्या होता है, ये इस तरीके का ओपनिंग होता है जहाँ पे गिल्स होती हैं, तो उसके थ्रू ये क्या करते हैं, वाटर को आउटफ्लो करते हैं. तो जब पानी यहाँ से गिल से होकर गुजरता है तो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में चली जाती है और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर में रिलीज़ कर दिया जाता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियल, याद रखेंगे ब्रोंकियल. ठीक है, ब्रोंकियल का मतलब विच इज़ डन बाय द गिल्स एंड दैट आर सीन इन द फिशेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अमीबा रिस्पायरेशन अकर्स थ्रू. अमीबा एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इसमें रिस्पायरेशन कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है, ट्रैकिया के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है. तो यू मस्ट नो दैट कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बस एक ही सेल होती है इसकी बॉडी में. ओके, तो ये सारे तो ऑर्गन है, दीज आर द ऑर्गन्स, ट्रैकिया, गिल्स, स्किन, ये तो ऑर्गन है. तो ये जब यूनिसेलुलर है तो ऑर्गन तो होगा नहीं इसके पास, ये इसका ये जो सेल है, जो सेल का ये सेल मेम्ब्रेन है, यही इसका कंप्लीट बॉडी है. तो जो ऑक्सीजन का एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज जो होता है वो इसी बॉडी सरफेस से होता है. ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस. ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, बॉडी सरफेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पिरेशन ऑफ अमीबा. ठीक है, दिस इज़ अमीबा और ऑक्सीजन इसके मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सिंपल डिफ्यूज़न. और ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न.
है ना, ऑक्सीजन एंटर कैसे करती है, बाहर जो होता है वो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है, तो ऑक्सीजन क्या होने लगती है, इट स्टार्ट्स टू मूव थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया एंड दैट्स हाउ इट एंटर्स इनटू द सेल। उसी तरीके से जब रिस्पायरेशन होता है अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, तो अमीबा के सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है और बाहर कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज़ होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द प्रोसेस बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू। अभी मैंने बताया था कि ऑक्सीजन कम है अंदर, बाहर ज़्यादा है, तो जब मॉलिक्यूल्स क्या होने लगते हैं, स्टार्ट करने लगते हैं मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया, इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो जिस प्रोसेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पायरेशन इज अ, रिस्पायरेशन क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है, नन ऑफ दी अबव। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि रिस्पायरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, दिस इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ओके, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रिस्पायरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और ये क्या होता है, ये सेल के अंदर होता है, इट टेक्स प्लेस इन साइड द सेल। ठीक है, तो रिस्पायरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है रिस्पायरेशन में, आपको याद होना चाहिए जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, इट ब्रेक्स डाउन। ओके, इट ब्रेक्स डाउन एंड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड साथ में कुछ वेस्ट एंड बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, CO2, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी ATPs आर जनरेटेड ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, आप जानते हैं रिस्पायरेशन दो तरीके की होती है, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनएरोबिक में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का कंप्लीट बर्निंग होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं, या आप कह सकते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है कम्प्लीटली। तो जब एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और ग्लूकोज का क्या होगा, कम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कितने ATPs बनते हैं ये आपको बताना है। आप जानते हैं कि रिस्पायरेशन में जो एनर्जी बनती है वो ATP के फॉर्म में बनती है ना, तो कितने ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक किया जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन में, 35 ATP, 33 ATP, 39 ATP, 38 ATP। तो यू मस्ट नो दैट इन द एरोबिक रिस्पायरेशन by breaking down of one molecule of glucose 38 ATPs are generated। ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, बर्न होगा, ब्रेक होगा, तो कितना ATP बनेगा, 38 ATP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन द सेल। सेल के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ पे होती है, तो आपको पता होना चाहिए रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है ना। पहला स्टेप क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ये ब्रेक डाउन होता है इनटू पाइरूविक एसिड, या इसको हम पाइरूवेट भी कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द पाइरूवेट। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, तो 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। ठीक है, तो
यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ है ये आपको बताना है, सेल के अंदर कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म में, रेटिकुलम में। तो यू मस्ट नो दैट ग्लाइकोलिसिस हमेशा कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। इट ऑलवेज अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ओके, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू पाइरुवेट इट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस एंड इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज चेंजेस इनटू, ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज होता है वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है, पाइरुवेट एसिड में, या इसको हम पाइरुवेट भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पाइरुवेट। ठीक है, ग्लूकोज किस में चेंज होता है, पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट में। कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, ग्लाइकोलिसिस की, और ये कहाँ पे होता है, अभी हम लोगों ने बात की है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाइरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस रिएक्शन में, इक्वेशन में आप देख सकते हैं, ये देखिए ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या हो गया, पाइरुवेट में चेंज हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। इन मसल सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू व्हिच सब्सटेंस, जो हमारी मसल सेल्स होती हैं, है ना, मस्कुलर टिश्यू में जो मसल सेल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो इन मसल सेल्स में जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है कैसे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है। तो ये क्या बनाता है, व्हेन द ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू आवर मसल सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, पाइरुविक एसिड। तो जो आपका एंड प्रोडक्ट होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे मसल्स में जब ग्लूकोज बर्न होगा, टूटेगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है, क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। ये क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये ग्लूकोज जो होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता है, तो एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है, उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो इन मसल सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू व्हिच सब्सटेंस, लैक्टिक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन आवर मसल सेल्स अगर ऑक्सीजन लैक करता है, कम है, नहीं मिल रहा है प्रॉपर ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसमें कार्बन के 3 एटम होते हैं। ठीक है, और एनर्जी बनेगी, कितनी एनर्जी इसमें बनेगी, 2 ATP ओनली। ठीक है, 2 ATP बनेगी, क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, कम्प्लीटली ग्लूकोज ब्रेक नहीं हो रहा है, तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, हाँ कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक में तो हमने देखा था 38 ATPs प्रोड्यूस हो रहे थे, राइट, क्योंकि कम्प्लीटली वहाँ पर ग्लूकोज ब्रेक हो रहा था। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन एबसेंट होता है या ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, तो इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्योंकि ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, तो ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कितनी होती है, ऑप्शन देखते हैं, 38, 12, 2, नो ATPs आर प्रोड्यूस्ड। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नो ATP बनती है, बट हाउ मेनी, 2 ATPs। ठीक है, इसको याद रखेंगे, हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, 2 ATPs। ठीक है, एनारोबिक में कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, क्योंकि कम्प्लीटली ग्लूकोज ब्रेक नहीं हो रहा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पाइरुविक एसिड एंड ग्लूकोज, पाइरुविक एसिड और ग्लूकोज में कार्बन के कितने कितने एटम होते हैं आपको बताना है। ठीक है, आप याद रखेंगे किसमें पूछा जा रहा है, पाइरुविक एसिड और ग्लूकोज में। ठीक है, जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लूकोज क्या होता है, चेंज हो जाता है पाइरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज जो होता है वो उसमें कितने कार्बन के एटम होते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज में होते हैं 6, और पाइरुविक एसिड में कितने होते हैं, 3। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, पाइरुविक एसिड कैसा है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज होता है, 1 ग्लूकोज होता है, जो ये क्या होता है, 2 पाइरुविक एसिड में टूट जाता है। ठीक है, 3 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे पाइरुविक एसिड के, किस में, ग्लाइकोलिसिस में। तो आप याद रखेंगे ग्लूकोज में 6 होते हैं कार्बन के एटम, पाइरुविक एसिड में कितने होते हैं, 3 होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू। अब प्लांट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, बॉडी सरफेस, टोमेटा, स्टेम, रूट। तो आप सबको बिल्कुल पता होना चाहिए एंड आई होप कि आप लोगों को पता भी होगा कि प्लांट में जो जनरली जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है ना। स्टोमेटा क्या होता है? दे आर द वेरी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग फाउंड ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव्स। लीव्स की सर्फेस पे उनकी एपिडर्मिस में छोटे छोटे से होल्स होते हैं जो सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। ठीक है, आपको याद है उसके स्टोमेटा के दोनों ओर दो सेल्स होती हैं, बीन सेप दो सेल होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। और ये जो ओपनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा प्लूरल होता है, अगर सिंगुलर की बात करते हैं तो हम स्टोमा बोलते हैं। सिंगुलर क्या होगा? स्टोमा। प्लूरल क्या होगा? स्टोमेटा। तो इसी ओपनिंग के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, गैसेस गैस को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है? गिल्स, स्किन, ट्रेकिया, लंग्स। इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? गिल्स, स्किन, ट्रेकिया, लंग्स। तो यू मस्ट नो दैट द इंसेक्ट हैज़ ट्रेकिया एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये ट्रैकियल सिस्टम है, दिस इज़ द ट्रैकियल सिस्टम। ओके, और जो ये ट्रैकिया एक्चुअली में क्या होता है, ट्यूब होता है। ठीक है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूब्स हैं, दिस इज़ द नेटवर्क ऑफ ट्यूब। एंड ट्यूब की जो ओपनिंग होती है, ठीक है, जहाँ से एक गैस एंटर या रिलीज होती है, उसको बोलते हैं स्पायरिकल। क्या बोलते हैं? स्पायरिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रॉस ओपर है और इसके लैटरल साइड में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं, और जो इसकी ओपनिंग है उसको हम क्या बोले हैं, स्पायरिकल। इसी स्पायरिकल के थ्रू क्या होता है, ट्रैकिया के अंदर ऑक्सीजन एंटर करती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम होता है और जो होल्स होते हैं ट्रैकिया के स्टार्टिंग पॉइंट पर, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पायरिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम ब्रीद करते हैं ना, ब्रीदिंग में दो पार्ट होता है। ठीक है, हमारी ब्रीदिंग में दो पार्ट होता है, एक क्या होता है इनहेलेशन, दूसरा क्या होता है एक्सहेलेशन, है ना। इनहेलेशन में हम क्या करते हैं, वी इनटेक द एयर को इनटेक करते हैं, है ना। और एक्सहेलेशन में क्या करते हैं वी एक्सपेल, वी रिमूव द एयर फ्रॉम अवर लंग्स। तो इनहेलेशन में जब हम एयर को इनटेक करते हैं तो क्या सिक्वेंस होता है, एयर किस किस पार्ट को से पास ऑन होती है, आगे जाती है ना, वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या सिक्वेंस दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स, फैरिंग्स, ट्रैकिया, नासल पैसेज, ट्रैकिया, फैरिंग्स, लैरिंग्स, एल्वोलाई, लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल, फैरिंग्स, लंग्स, नॉस्ट्रिल, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वोलाई। तो आपको बिल्कुल ह्यूमन में पूछा गया है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उसमें क्या सिक्वेंस होता है ना। तो ये जो चौथा वाला ऑप्शन है, नॉस्ट्रिल, देन फैरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन एल्वियोलाई, दिस इज़ द करेक्ट सिक्वेंस। ठीक है, आप नॉस्ट्रिल, मतलब नॉस्ट्रिल का मतलब जो ओपनिंग, नोज़ की जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ नोज़। ठीक है, ओपनिंग ऑफ नोज़, नोज़ की जो ओपनिंग होती है वहाँ से आप एयर इनटेक करते हो, फिर ये फैरिंग्स में जाता है, ठीक है, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, और फिर ये एंड में कहाँ जाता है, एल्वियोलाई में जाता है। देखिए ये करेक्ट सीक्वेंस है, यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉस्ट्रिल है, फिर नेसल पैसेज, नोज़ के अंदर जो पैसेज है, रास्ता है नेसल पैसेज, वो उसके अंदर कैविटी है, नोज़ के अंदर नेसल कैविटी, फिर फैरिंग्स आएगा, फिर लैरिंग्स आएगा, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई आएगा, फिर ब्रोंकियोल्स आएगा, फिर एल्वियोलाई आएगा, फिर आपका ब्लड कैपिलरी आएगा, है ना। ये सारे लंग्स के पार्ट होते हैं, इसके ऊपर का ये वेंट पाइप का हिस्सा होता है, लैरिंग्स और ट्रेकिया, और ये आपका जो है स्टार्टिंग पार्ट होता है, आपके माउथ के नीचे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड टू क्रैम्प अमंग क्रिकेटर, दिस रिजल्ट ड्यू टू, जब कोई मान लीजिए कोई क्रिकेटर है वो गेम खेल रहा है तो बहुत कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहा है, तो कॉन्टीन्यूसली वर्क करने से क्या होता है कि मसल्स में की जो सेल्स होती हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती हैं, ऑक्सीजन सारी यूज्ड अप हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से
प्रॉपर रिस्पायरेशन नहीं हो पाता है, कंप्लीट एरोबिक रिस्पायरेशन उनकी मसल सेल में नहीं हो पाता है, और इससे उनको क्रैम्प होने लगता है। ठीक है, क्रैम्प मतलब पेन होने लगता है उनकी मसल्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू एथेनॉल, कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू ग्लूकोज, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूवेट, कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू लैक्टिक एसिड। जब मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रही होती है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है उनको कॉन्टीन्यूसली, और उनको क्या नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है प्रॉपरली, तो क्या होता है कि एनएरोबिक रिस्पिरेशन शुरू हो जाता है। और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में मसल सेल में क्या होता है कि जो पाइरूवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज होने लगता है ना, और एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड लीड्स टू द क्रैम्प। और इसी लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से मसल्स में हमको क्रैम्प यानी कि पेन फील होता है। फिर जब हम रेस्ट करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे रिमूव हो जाता है सेल्स से, तो फिर हम फिर से फ्रेश फील करते हैं। इन ह्यूमंस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन, अगर इंसान की हम बात करें ह्यूमन की, तो कौन से जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है? ब्रोंकाई, ट्रेकिया, हार्ट, एल्वियोलाई, कहाँ पर होता है? तो आपको बताना है कि विच इज़ द स्पेसिफिक पॉइंट वेयर द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ द एल्वियोलाई विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लंग्स। ठीक है, लंग्स में एल्वियोलाई होती है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये देखिए आपका ट्रैकिया है, विंड पाइप है, ये आगे जाके ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है ना। दो लंग्स है हमारे पास, तो ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर ये ब्रोंकाई फिर से ब्रांच्ड हो जाते हैं, और ये फर्दर ब्रांचिंग क्या कहलाती है? ब्रोंकियोल्स कहलाती हैं। फिर ब्रोंकियोल जो होती है आगे चलकर एक बलून लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं ना, एल्वियोलाई। तो ये जो एल्वियोलाई होती है, इसके चारों ओर देखिए, इसके चारों ओर क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो एल्वियोलाई में ही क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में चला जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में होता है वो एल्वियोलाई में चला जाता है, और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती है। So this was the last question of this video. I hope it will help you in your exam. Thank you. Have a nice day.